नमस्कार साथियों हनुमान चालीसा में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि तुलसी कह है रहे हैं कि मैं श्री गुरु के पद कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ यानी यहाँ सुधार का एक अर्थ रिफॉर्म है दूसरा अर्थ टुकड़ों को एक एक कर संगठित करने से है लेकिन एक तीसरा अर्थ भी है जो है स्वच्छता से स्वच्छता यानी सैनिटेशन नहीं स्वच्छता में स्व का बोध है तभी तो नेच की बात यहाँ प्रासंगिक लगती है तभी तो चरण सरोजरज प्रेरक हो सकती है क्योंकि कमल ही तो है जो कीचड़ में खिलकर भी पावन बना रहता है श्री गुरु के चरण इस संसार के धूल भरे कीचड़ भरे रास्तों पर चले हैं पर उनके पैरों की धूल सरोज रज के समान हो गई है पद्म पराग के समान हो गई है यानी उस धूल में एक रूपांतरण हुआ है एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक उदात्तीकरण हुआ है सब्लिमेशन हुआ है मनोविज्ञान के अनुसार उदात्तीकरण की इस प्रक्रिया में जो प्रारंभिक संवेग होते हैं इंपल्सिस उनका आदर्शीकरण हो जाता है आइडियलाइजेशन हो जाता है सिगमेंट फ्राइड उदात्तीकरण को परिपक्वता का मैच्योरिटी का और सभ्यता का लक्षण कहता है धूल का सरोज रज में उन्नयन हो जाना ही इस बात का साक्ष्य है कि तुलसी के गुरु बहुत परिपक्व हो गए हैं और यह उच्चतर सामाजिक मूल्यांकन इसलिए संभव हो सका है क्योंकि आधार अनुभवों के बहुत प्रारंभिक आवेग अब भाव बनकर उड़ गए हैं और उनमें दमन तथा वर्चना नहीं रह गई है बल्कि शुरुआती तजुर्बे का प्रज्ञायन हो गया है इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो है। जोहानिक है जो बचपन में कुत्तों की पूछ काट दिया करता था और बड़ा होकर वो एक सफल और प्रसिद्ध सर्जन भी बना तो धूल का पराग ऐसे ही बनता है तुलसी के मन भ्रमर को ऐसे ही पुष्प के पास पहुंचना था जिसके पास से पराग हो जिसने अपने बाल धूप में सफेद न किए हों बल्कि जो जीवन के उच्चतर शिखरों का स्पर्श कर सका हो जैसे मकरंद अपने आप में एक सार है, एसेंस है वैसे ही जिसने जीवन के उस निर्योष को उपलब्ध कर लिया है वही तुलसी का श्रीगुरु हो सकता है निर्लिप्त तो, तो हो जो पर जो विरागी न हो जो कीचड़ में हो पर जिसमें कीचड़ न हो वह श्रीगुरु तुलसी को विराग नहीं पराग चाहिए पराग है तो राग है प्रेम है संगीत है पराग है तो इसी कारण तुलसी कम कभी मन किसी भवरे की तरह गुंजार करेगा पाखुरियां खुलेंगी खुशबू फैलेगी इसी मधु से प्रेरित तुलसी में भी मधुरता फैलेगी और बिना किसी करकशता के कि वे बहुत सांगीतिकता के साथ अपने कार्य को कर सकेंगे सरोज रज का अर्थ है कि अब यह टीम बनेगी इसमें एक परिस्थितियों की वायु होगी दो गुरु के मन की पाखुरियों का चटकना होगा और तीन एक भ्रमर का वहां मंडराना होगा और कोई मधु फूल में ही सीमित होकर नहीं रह जाता वैसे ही गुरु का संदेश अब तुलसी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा बहुगुणित होता चला जाएगा गुरु के कारण तुलसी की यात्रा शुरू होगी यह सरोज रज स्वयं सृष्टि में फैले हुए प्रेम का साक्ष्य है तुलसी इसी प्रेम का विस्तार करेंगे प्रसार करेंगे आज के आधुनिक मनुष्य की एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है पोलन डेफिशिएंसी की क्योंकि जिस तरह के इंसुलेटेड इंडोर लाइफस्टाइल को वो जी रहा है वहां पराग के प्राकृतिक स्रोत सूख चुके पराग को पोषण का गोल्ड माइन कहा जाता है और उसका उपचारात्मक महत्व भी है प्राचीन मिस्र में पराग को धूल लाइफ गिविंग डस्ट कहा जाता था हमारी सभ्यता के सुपोषण और उपचार के लिए भी सरोज रज की आवश्यकता थी जो गुरु कृपा से संभव हुई तुलसी उस चरण सरोज रज से अपने मन दर्पण को साफ कर पाते हैं क्योंकि यह सरोज रज चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में भी एक क्लेंसर का काम करने के लिए जानी जाती है ऋग्वेद की तो प्रार्थना ही यही थी मधु वाता रेतायते मधु शरणते सिंधु यानी वायुदेव मधु प्रदान करें और सिंधु से नदियों से मधु प्राप्त हो वायुपुत्र का वर्णन करने से पूर्व तुलसी मधु की सरोज रस की याद करते हैं सिंधु संतरण करने वाले हनुमान की प्रशस्ति से पूर्व मधु शरणती सिंधुवाह की बात अपने आप में कितनी मधुर लगती है प्रणाम मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहत उन्हें प्रति माह एक हजार रूपए दिए जाएंगे ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर जीरो सेवन डबल फाइव टू सेवन डबल जीरो एट डबल जीरो एवं वेबसाइट सी एम लाडली बहना डॉट एम पी डॉट जी ओ वी डॉट इन आरोप प्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके में, आप देख रहे हैं दखल न्यूज